का इंतजार खत्म। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल वो संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रगटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं उनको एक बल मिला, मानसिक रूप के अनुसार कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिए। और यही सच्चा लोकतंत्र। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूंगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका जिक्र हो करके, यानी एक और भले ही वो छोटा सत्र था लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था, इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यह हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। तीन तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी, अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था, कोई प्रकट रूप से